एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। All the characters in this film are fictitious and bear no resemblance to any community or person, dead or alive. Any resemblance, if any, is unintentional and purely coincidental. इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं और किसी भी समुदाय या व्यक्ति, मृत या जीवित, किसी भी समानता के साथ कोई समानता नहीं है। यदि कोई हो तो अनजाने में विशुद्ध रूप से संयोग है। बचपन से सुना है, संविधान में भी लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और मैं इसी राष्ट्र का एक शहर हूं जिसका नाम कभी मोहब्बत नगर हुआ करता था। और मोहब्बत नगर में हर मजहब के और हर फिक्र के लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहा करते थे। वो लोग सिर्फ एक ही धर्म जानते थे, इंसानियत और देश प्रेम। भाईचारा इतना गहरा था कि शिवालयों की घंटियों में अजान सुनाई देती और इबादत गाहों में आरती की नाद। लेकिन बदलते दौर, बदलती सियासत और सिमटती इंसानियत की वजह से मोहब्बत का नगर अब सिर्फ मुजफ्फरनगर रह गया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। तू क्या कर रहे भाई? अरे कहाँ लेके जा रहे मुझे? अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्यों लेके आ गए? बैंड बाजे से लेके आते, फुप्पा लग गया है तुम्हारा, हैं? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? भूल नहीं, करतूत। करतूत? हाँ करतूत, और ऐसे करतूत पे तो गोली से उड़ा दें स्वीट मैन। पता नहीं तुझे यह आया हुआ करतूत। देख अब जटते फैसला कर ले, अंगूठा लावे है या दूं तेरा सर इस कोल्लू में। अगर ये जमीन मैंने तुम्हारे नाम कर दी तो हम लोग खाएंगे क्या? भगवान के लिए माफ कर दो, हम लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अब कौन सा तेरे मंगल ग्रह पे जहाज खड़े हैं? पैसे दे रहे थे तुझे, तूने लिए नहीं ना। वैसे भी साल दो साल बारिश ना हुई तू फांसी खा के मरेगा या गोली मार लेगा।
लेकिन मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा। अबे ओ कृषि दर्शन, तुझे यहाँ हेडपंप लगवाने लाए हैं क्या? और जल्दी से साइन। हाँ बस सबर कर ले, तेरा ही इंतजाम कर रहा हूँ। अरे बस भी कर बेटा, इसे ऐसे ही पीटता रहेगा और इसकी सांस निकल गई तो फिर क्या कर लेंगे हम? भीम सिंह का तुत्ता है ये, हाथ पर तोड़ने से ना मानेगा। जिसके घर पे जवान लौंडिया बैठी हो उसे ऐसे मारा पिट्टा करते हैं क्या? जाओ इसकी लौंडी को ठाके लाओ। फिर वही बदतमीजी वाली भाषा हमेशा, ठालाओ, कपड़े फाड़ दो, रेप कर दो। भाई इज्जत से लेके आना, ट्रैक्टर पर बिठा के। रुको रुको, भगवान के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अब तो इन्हें तेरे दस्तखत ही रोक सकते हैं मोहनलाल। हेलो, ये लो ले जा। बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत भला आदमी था मोहनलाल, मेरी बहुत इज्जत करता था, पर ये हुआ तो हुआ कैसे? ये तो तुझे ही पता होगा। है? मैं ज्योतिषी हूं या मैं फरिश्ता हूं? मतलब क्या है तुम्हारा कहने का, क्या कहना चाहते हो? तुझे मोहनलाल की जमीन चाहिए थी ना। अच्छा, ऐसे तो पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, दे दिया हिंदुस्तान ने। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 महीने पहले ही मोहनलाल बेचारा मुझे अपनी जमीन दे चुका। कागजात दिखाऊं? प्रधान है आप गांव के, जिम्मेदारी बनती है आपकी कुछ। अरे ऐसे कैसे कोई भी आत्महत्या कर लेगा गांव में? ये हाथी वाले दांत हमें मत दिखाइयो जोधा सिंह, मैं तुझे आज से नहीं जानता। इतना ही पता है तो अपनी औकात में रह के बात कर, नहीं तो प्रधानगिरी निकालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। पुलिस का काम है, पुलिस अपने आप निपटा लेगी। पुलिस भी तो आपकी ही जेब में रहती है जोधा सिंह जी। हमारी जेब की तरफ झांकने की कोशिश मत करो भीम सिंह जी, हमारे पास तो और भी बहुत लंबी लंबी जेब है। चलिए पीछे हटिए, रास्ता दीजिए, चलिए। वरना आप जानते हैं सयाना कौवा कहाँ बैठता है। क्या बात होगी जोधा सिंह जी, क्यों प्रधान जी पे गर्मी खा रहे हो? अरे तेरा प्रधान बात ही ऐसी करता है, कहता है पुलिस मेरी जेब में रखी, अब सोच ले तू, तू मेरी जेब में पड़ा है। अजी हाँ, पुलिस को इतना बड़ा थाड़ा छोटा पड़ रहा है, क्यों किसी के जेब में रहेगी? आप भी प्रधान होके ऐसी बातें करोगे तो गांव वाले क्या खाक इज्जत करेंगे हमारी? अरे चलो भाई, अरे चलो चलो चलो, पुलिस आ गई, अरे चल। अरे जा, ये जोधा साहब का ट्रक है, जाने दो, चलो चलो आगे बढ़ो। अरे समझाइए सर इस पागल को, जोधा सिंह के ट्रक को रोक रहा है। अरे नहीं नहीं, वर्दी पहनी है, चमक तो मारेगी, थोड़ी महली होने दे, अपने आप नैन पे आ जाएगा। सही कहा सर, सही कहा। जा रे, इसे दिखा अपनी वर्दी की चमक। ए रोक रोक रोक, तुझे देख नहीं रहा जगिंग चल रही है?
किस बात की चेकिंग चल रही है? अब तेरे को भी बोलना पड़ेगा किस बात की चेकिंग। जानता नहीं है क्या मुझे? तू अमिताभ बच्चन है जो तुझे जानू? मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं हूँ, लेकिन तू चुलबुल पांडे बनने की कोशिश जरूर कर रहा है। अरे क्या बात है, क्या मुकदमा चला रखा है? सर मैं सिर्फ इससे ये पूछ रहा हूँ कि किस बात की चेकिंग चल रही है। दरअसल मैं यहाँ के प्रधान भीम सिंह जी का बेटा हूँ। तो सलूट करूँ तुझे या तेरी आरती उतारू? और तेरा बाप प्राइम मिनिस्टर है, सवेरे से शाम तक बहुत देखे ऐसे प्रधान वरधान। चल लाइसेंस दिखा। आपने ड्यूटी पे शराब पी रखी है? मैंने तो चाय बोली थी, ये दारू ले आया, क्या करूं पीनी पड़ी। क्यों सस्पेंड करवाएगा? लाइसेंस दिखा। अरे लाइसेंस दिखा दे। तो ये जो दिया था ये मेरी शादी का कार्ड था क्या? तूने देखा इसने कुछ दिया? नहीं साहब। और तूने देखा? नहीं साहब। लाइसेंस भी ना है तो गाड़ी के पेपर दिखा दे। हैं? लाइसेंस भी ना है, गाड़ी के कागजात भी ना है, और ऊपर से पुलिस को कानून झाड़ रहा है। अरे यादव इसकी गाड़ी जब्त कर ले। जी। आज इसको घर पैदल जाने दो। तूने ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पे हाथ उठाया? मैंने हाथ उठाया? उठाया क्या? मैं चाहूं तो ऑन ड्यूटी शराब पीने पर आपकी वर्दी भी उतरवा सकता हूं, लेकिन क्या है ना, हमारे मुजफ्फरनगर में कुत्तों के पेट पे लात नहीं मारी जाती। सर ये कुछ ज्यादा ही कानून जाने है। कानून तो जाने हैं पर ये न जाने हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। देव भैया आ गए, देव भैया आ गए। सलाम। ओए बदमाश क्या हाल है तेरे? ठीक हूँ भैया। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। टडैंग। ये। इप। बाऊजी। नमस्ते। आजा जीता रहे। बहुत देर लगा दी आने में। अरे बाबू जी आपको पता तो है रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े हैं ना, टाइम लग गया। माँ। अरे मेरा बेटा। माँ। छोड़िए सब, बैठ। कैसे बैठ हो मेरे आप? सामने। ये क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? दिल्ली में ठीक से खाना पीना नहीं खाता था क्या? अरे देखो तो कितना दुबला पतला हो गया है। हाँ तो जब गया था तो कौन सा दारा सिंह था ये, है ना? आप है ना हमारे माँ बेटे के बीच में कुछ मत बोला करो। हाँ। अरे आप दोनों फिर शुरू हो गए। बेटा तू एक काम कर, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए देसी घी के गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। सच में बहुत भूख लग रही है। चलो चलो चलो, 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 चलो अंदर चलते। और बेटा कैसा चल रहा है तेरा वो शूटिंग का कोर्स? बस बाबूजी वो 500 मीटर रेंज का कोर्स तो कंप्लीट हो गया है। हाँ। अब 3 महीने बाद नेशनल्स है, उसी की चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। अब यहाँ आ गया तो थोड़ा यहाँ का भी धंधा देख। जी बिल्कुल। और अपने अर्जुन को देख, 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बन के अपने देश का नाम रोशन कर चुका है। अब मैं चाहूँ कि आने वाले ओलंपिक में तू भी निशानेबाजी का चैंपियन बने और अपने गांव का अपने देश का नाम रोशन करे। यो गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा,
जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ती है। करूंगा ना बाबूजी, बिल्कुल करूंगा। राम राम प्रधान जी। अम्मा वसीम मियां कहाँ गए हुए यार? भाईजान पंप ठीक करा रहे थे। ओ भाई कैसे? पंप ठीक करा रहे थे यार, कुछ और। हाँ देव जी। बाबू जी ये दूरबीन को आंखों पे लगा के क्या देख रहा है भाई? नहीं नहीं वो फसल देख रहा था, पककर तैयार हो गई है। ऐसे समय में फसल को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ संभाल संभाल लियो, कटाई की मत सोच लियो अभी। जी बाबू जी। अम्मा वसीम मियां एक बात बताओ यार, अपने गांव में ढंग की बस सुविधा तो है ना, फिर ये मेट्रो कब से चलने लगी? अरे ट्रैक में लड़कियां? आपका हुमर भी गजब का है देव भाई। ये मेट्रो ना है तो? ये तो सरकार की योजना है। अच्छा, मतलब सरकार भी अब दिल लगी पे उतर आई है? ना ना, ये तो यूपी पुलिस में लेडीज की भर्ती चल रही। अच्छा अच्छा, उसी की प्रैक्टिस चल रही होगी बस। तो एक काम कर, चल साथ में चल मेरे। अंधा है, दिखाई नहीं देता। लगता है इसको सुनाई भी नहीं देता है। ना जी, क्या है ना कि जब से इनको देखा है ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। बदतमीज। अरे हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? ना जी, आप लोग मेरे आगे आगे चल रहे हो। अच्छा, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत ना है। छोड़ो यार, जाओ। ना जी ना, लेडीज फर्स्ट जी। ओए, तू तो इसी गांव का है, ये किस गांव का है? ओ जी, मैं भी इसी गांव का हूँ। अच्छा हाँ। नाम क्या है तेरा? देव मलिक नाम है मेरा, लेकिन प्यार से आप मुझे देव बुला सकती हो। देव भाई शहर में रहते हैं हमारे। गाँव में पहले से ही इतने मवाली पड़े, इसकी ही कमी थी। ओ जी मवाली ना हूँ मैं, ग्रेजुएट हूँ ग्रेजुएट। इतना मैं पूरे 10,000 रुपए दे के पास हुआ हूँ मैं। तभी तो इतना होशियार है, तमीज भी नहीं है बात करने की। हाँ, तो तुमने कौन सा लाख दो लाख दिए? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए, अपनी मेहनत से पास होती आई हूँ। मेहनत? ना जी ना, मैं ना मानूं। हम सच बोल रहे हैं। अच्छा, फिर नाम बता अपना। सारा। अच्छा अच्छा, गांव का नाम क्या है? गांव मोरना। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है भाई? रफीक। सारा इसे कुछ मत बताना, बहुत चालाक है। अरे ये तो कोई अनपढ़ भी बता देगा, इसमें पढ़े लिखे वाली क्या बात हो गई। एक काम कर, अपना फोन नंबर बता अंग्रेजी में। 9787000483। क्या बात है, तू चल। हाँ, सारा चल। अबे नंबर दे, नंबर लिख लो फटाफट, भूल जाऊंगा मैं। 9787। क्यों नंबर दिया उसे? अब तुझे ना बार बार फोन करके परेशान करता रहेगा। आइंदा इस बदतमीज से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या जरूरत थी उससे बात करने की? अरे मैंने कौन सा उससे असली नंबर दिया है। सारा इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि किसी को भी अपना नंबर दे दे। हेलो डार्लिंग, पहचाना? यार मैंने समझ नहीं के इतना से फोन मत बोल, देला फोन कल मेरा फोटो मैड मलता है नाम में बोल कटवा ले मैं देला रे फोन। हेलो, अरे ताओ गलती हो गई, रख रहा हूं फोन। पेंगड़ पेंगड़ पेंगड़, ये कौन सी भाषा बोल रहा था? अच्छा चेप गई मुझे, ठीक है अब आएगा मजा। जिंदगी से मैं जुदा हो गया।
ही तुमको मैं फिदा हो गया, अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया। थी कितनी खूबसूरत वो घड़ी जब तुमसे मेरी आंखें थी लड़ी, देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया, अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया। आता नहीं मजा अब जीने में, प्यार की लत है जो सीने में, आता नहीं मजा अब जीने में, प्यार की लत है जो सीने में। ना जाने दिल को मेरे ये क्या हो गया, ना जाने दिल को मेरे ये क्या हो गया, देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया, अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया, देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया, अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया। तुमको नहीं पता क्या हाल है मेरा, रो रो के दिल धड़कता है मेरा। तुमको नहीं पता क्या हाल है मेरा, रो रो के दिल धड़कता है मेरा। लगता है ऐसा मुझको प्यार हो गया, लगता है ऐसा मुझको प्यार हो गया, देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया, अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया। अरे क्या भाई, किसके ख्यालों में खोया है यार, हमें भी बता दे, हम भी याद कर लेंगे। होगी कोई शहर की फुलझड़ी तो भाई उसे भी ले आता, वो गांव देख लेती और हम उसे देख लेते। अच्छा जी, अबे तुझे देख के गांव की लड़की तो क्या भैंस भी आना बोलेगी। भाई सुनना, तेरी सेटिंग हो जाए ना तो उसकी सहेली से ना मेरा भी जुगाड़ करा दियो। अच्छा जी, हाँ मतलब गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। अरे सुनना, ये सब छोड़, ये बता तेरी बात बनी कि ना बनी। देख भाई, पूछ रहा है तो साथ में चलना पड़ेगा उसके गांव, सोच ले। भाई देख सुन, जब भी चलना हो ना तो बस एक बार बता दियो। भाई हम भी साथ चलेंगे, हमने कौन सा पाप किया भाई। अरे रुक जाओ यार, कोई लड़ने वड़ने नहीं जाना है, ना लड़की को उठाने जाना है, बस देखने जा रहे हैं। और टेंशन क्यों ले रहे हो, मिलवा दूंगा सबको। बबलू रेडी है ना? एकदम। कल मिलते हैं फिर। अरे इनसे पूछ के देखें क्या। ओ चाचा, ये रफीक मियां का मकान किधर है? अफीम? अरे भैया अफीम अफीम नहीं बेचते। लग रहा है चाचा के कानों में भी कर्फ्यू लग रहा है। और तेरे पैरों में लग रहा है। सही कह रहे। चाचा वो रफीक मियां है, रफीक मियां उनका घर। अच्छा अच्छा, रफीक मियां। हाँ। लेकिन बेटा रफीक मियां तो यहाँ पांच हैं, अब किसका घर? उनको बोल रफीक खान, रफीक खान का घर। रफीक खान है ना, रफीक खान। अच्छा अच्छा, रफीक खान। हाँ।
लेकिन बेटा रफीक खान भी यहाँ तीन है, अब कौन से रफीक खान? अरे सारा के अबू, सारा के अबू पूछ। चाचा वो सारा, सारा के अबू। अच्छा अच्छा सारा के अबू। हाँ। लेकिन सारा के अबू भी यहाँ दो हैं, अब कौन सी सारा के? उनको बोल वो जो बुजुर्ग वाले हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं हम। चाचा वो बुजुर्ग। अच्छा अच्छा वो बुजुर्ग वाले। लेकिन बेटा उनका तो इंतकाल हो गया। हा? वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ठंडा पिलाऊं? अरे ले भाई हो गया काम। कैसे भाई? ये बच्चा बताएगा बेटा इधर। अरे यार वो 55 साल का बुढ़ऊ नहीं बता पाया, ये बच्चा के खाक बताएगा। अरे भाई जो काम बड़े ना कर पाए ना वो बच्चे कर जाए। बेटा ये रफीक चाचा का घर कहाँ है? इधर जाके उधर जाके उधर। ठीक है ले बेटा हो गया काम। जोर लग रहा है मुझे पूरा। अरे तू देख भाई घर तो यही है। अरे भाई पूरा आगे ले ले यार। आगे क्यों ले लू, जब जाना इस घर में है तो आगे क्यों लू? भाई घर में जाना है मतलब? अरे मरवाएगा क्या भाई, भीतर ने चले गए ना तो कट के बाहर आऊंगे। अबे तू हंस रहा है भाई, जो दीवार देख रहा है ना इन पे अपने पोस्टर छपे मिलेंगे गुमसुदा के। अबे फट्टू जिगरा नाम जैसी कोई चीज है कि नहीं तुझमें? हाँ तू एक काम करियो, अंदर जाते टाइम अपना दिमाग साइलेंट मोड पे रखियो, जो करना है मैं कर लूंगा ठीक है। और हाँ ये अपनी आंखों को ऐसे ऐसे मत करियो, तेरी भाभी बुरा मान जाएगी। चल। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। सब खैरियत? क्या काम है? बस चाचा वो, अबे बैठना, वो चाचा आपकी, चाचा वो हम कबाड़ी हैं। लेकिन देखने में तो आप कबाड़ी वाले नहीं लगते। अब भाई बुढ़ो चलो निकल ले। अब चाचा क्या है ना, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो कबाड़ी कैसे लग सकते हैं? अरे पढ़े लिखे हो तो नौकरी क्यों नहीं करते? कहाँ चाचा नौकरी, अब नौकरी तो आजकल इन पॉलिटिशियंस के भाषणों में घूम के रह गई है बस, आपको तो पता ही है। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले इस गांव में देखा नहीं। अबे बैठ ना, बैठ बैठ कबाड़ी बैठ। नहीं नहीं वो हम लोगों ने नया नया काम शुरू किया है, नया नया घूमना हाँ। शुरू किया है, कहाँ देखा होगा आपने। अच्छा अच्छा तो कैसा सामान खरीदते हो? चाचा एकदम सस्ता और टिकाऊ। हाँ नहीं चाचा वो मैं देख रहा था कि घर काफी अच्छा बना रखा है आपने। हाँ। अच्छा अच्छा हाँ तो बड़े एक ये है और एक वो है। हाँ 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 चाचा ये तो ठीक है, मैं कह रहा था कि कुछ और रखा है घर में कुछ मतलब इसके अलावा ये है। कितने की है? अरे कितने की क्या, 30,000 की ले लो, पूरे मोड़ना में ऐसी चीज नहीं मिलेगी। दिखने में तो अच्छी है, ब्यूटीफुल है जी। तो क्या लगाओगे बेटा? चाचा इसका तो कुछ भी ले लो आप, अरे इसके लिए तो मैं खुद बिक जाऊंगा। अरे चाचा इसका मतलब है दिखने में अच्छी है तो नस्ल की भी अच्छी होगी। अच्छी नस्ल? बहुत अच्छी नस्ल की है, इसकी माँ तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। बेटा जी अबू 3 कप चाय लाओ। जी अबू। चलो मां दिखाता हूं, उसके 30,000 ज्यादा नहीं मांगे मैंने, ये उसकी माँ है। माँ? किसकी माँ? हाँ, उसकी माँ है। ये उसकी माँ है क्या चाचा आप भी? अरे 5 वक्त का नमाजी, मेरे यकीन नहीं करते आप? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये उसकी माँ है? हाँ, उसकी हाँ, भाई। अरे मैं ही तो लाया था इसे, मेरे सामने ही तो बैठा ही है। अरे यार मुझे नहीं लगता। चल ठीक है। ये जमाल गोटा इसकी मोहब्बत को ऐसा उतारेगा कि जिंदगी में कभी इस चौखट पर कदम नहीं रखेगा। चाचा 3 का टोटल कितना हुआ? तीनों को मिला के 50,000 दे दो। 50,000 तो इस वक्त हमारे पास नहीं है चाचा जी। आप एक काम कीजिए,
आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, हम कॉल करके आ जाएंगे और अपना सामान ले जाएंगे। मेरा फोन तो खराब हो गया है। हाँ। मैं अपनी बेटी का नंबर दे देता हूँ। जी जी, कागज है, पेपर देना। ये लो बेटा नंबर। जी। नंबर की क्या जरूरत है अबू इन्हें, ये तो कबाड़ी हैं, गांव में आते जाते रहते हैं, सामान लेना हो तो घर पर आ जाएंगे। ठीक है, बात तो सही है। ये अबू की है, बिना शक्कर वाली। हाँ। चाय लीजिए ना। जी। अच्छी है चाय। क्या लग रही है। अच्छा, पीले पीले। अच्छा। फिर लगेगी। भाई जैसे आए थे वैसे अगर जाना है ना, तो कप रखते और निकल ले। अबे मोहब्बत की चाय है, मोहब्बत से पियेंगे। भाई ये मोहब्बत की नहीं, आफत की चाय है। कप रखते वरना जाने की हालत में नहीं रहेगा। मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं, अच्छी है ना। ये तो पागल है, इसकी शक्ल ही खराब है देखो। अरे इसे तो गांव की जलेबी भी कड़वी लगती है। मैं पी रहा हूँ ना। जहाँ पना एक कप और मंगा दूँ? नहीं नहीं बस, अब चलने का समय आ गया है। अब खाना खा के चाहिएगा। नहीं नहीं, चाय बहुत है ना। अरे नहीं, अच्छा चाचा तो चलते हैं। हाँ, तो सोच लेना डील के बारे में। जी जी जी, मिलते रहना। जी जी जी। अच्छा। अरे पानी की बोतल तो लेते जाओ, रास्ते में काम आएगी। इस जोधा सिंह ने तो हमारी जमीनें हड़प करके हमारे साथ वो काम कर दिया है कि इधर पड़े तो कुआं, उधर पड़े तो खाई। अरे ऐसे कैसे जोधा सिंह आप लोगों की जमीनें हड़प लेगा? अरे भाई जमीनों के कागजात आप ही लोगों के नाम पे है ना? जी, जी हाँ। तो फिर? और वो पटवारी पैसे लेके सारी जमीन जोधा सिंह के नाम पे चढ़ा देता है। अरे आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कल यहाँ आ जाइए, मैं आपके साथ खुद चलूंगा। जी, जी। और हाँ, आप लोग अपने जमीनों के कागजात साथ में लेके आइएगा। जी जी, ठीक है ठीक है। क्या शादी थी भाई, ऐसी शादी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। खाना भाई, खाने का प्रोग्राम बड़ा ही मजेदार था। वो था क्या, मुर्ग मसालम भाई, खा के मजा ही आ गया हमें तो। पटवारी जी, अगर मजे की बातें खत्म हो गई हो तो जरा काम की बातें कर लें। तिवारी जी, हम थोड़ी देर में फोन करते हैं। पटवारी जी, ये जो जमीनें आपने गैर कानूनी तरीके से जोधा सिंह के नाम चढ़ा रखी है, ये दरअसल इन गरीब किसानों की है। आप चाहे तो पेपर दिखा सकते हैं हम। ये देखिए, ये जमीनें तो इनकी है। तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे तेरा कुछ अपना काम है तो बता, मैं करता हूँ। अरे इनका क्या है, मैंने पता नहीं कितने किसानों की जमीन पैसे लेकर जोधा सिंह के नाम कर रखी है और आगे भी करूंगा, समझे? अरे पटवारी जी, आगे का वादा अभी से क्यों कर रहे हैं आप? क्या करेगा, शिकायत करेगा, जिससे करनी है कर। तेरे जैसे 70 आते हैं रोज, यहाँ आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और तू भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझे? ये बिगाड़ने की बात कहाँ से आ गई? हाँ, ये जो तेरे गुब्बारे में गैस भर रही है ना, ये सही जगह से बाहर नहीं आ रही। इसके लिए एक बायपास बनवा देता हूँ, तेरे रिटायरमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बढ़ा दो क्या? गजब ना करियो। एक रास्ता और है। क्या? सुनेगा? दिखाइए बबलू। ले भाई ताऊ देख। मैंने पता नहीं कितने किसानों की जमीन पैसे लेकर जोधा सिंह। अरे भाई कतई हीरो लग रहा है। और आगे भी करूंगा। सोच अगर ये मीडिया में आ गई तो क्या होगा? भाई कतई सुपरस्टार बन जाएगा ये तो। नहीं ना, फिर तो हम मिल भी ना पाएंगे तेरे से। अरे ना ना, पटवारी जी तो अपने मिलेंगे ना। नहीं नहीं मिलेंगे, पूरी शूटिंग वही करवाऊंगा तेरी। अबे ओए जोधा सिंह के कुत्ते, ध्यान से सुन, दो ऑप्शन है तेरे पास। या तो इन किसानों की जमीन वापस कर दे, नहीं तो जोधा सिंह के साथ जेल में जाने के लिए तैयार हो जा। आई बात समझ में? आई क्या जी? और सुन,
तिवारी को कॉल कर लियो, वेट कर रहा होगा तेरे कॉल का। जी हाँ। अरे भाई पटवारी जी, एक बात और, अपनी ना सही, कम से कम इनकी इज्जत तो कर ले। जी जानता है कौन है ये? जी वो भगत सिंह, सलूट मार। जी सर। भैया जी, यही है प्रधान जी का बेटा देव मलिक, जो पटवारी को धमकाने गया था। आजकल गांव में बहुत फड़फड़ा रहा है। गाड़ी लगा इसके सामने। जी सुना है कल तू पटवारी को धमकी दे के आया है, हैं? तुझे क्या लगता है, तेरे कहने पे जमीन वापस कर देंगे हैं? या पुलिया देख रहा है, इसमें तेरे जैसे घने काट के बाद ही है, आज तक खबर ना है। भैया जी ठोक दो क्या इसे? अभी बोल रहा हूं ना, नहीं तो फिर ठोक देना, मुझसे उलझ मत, नहीं तो दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी, समझ में आई? अच्छे गुंडे महंगे और सस्ते की बातें नहीं करते, पर यहाँ तेरे बाप का राज नहीं चल रहा है, जो जब चाहे जिसकी चाहे जमीन हड़प लेगा। हाँ बापू, दो मिनट मार रहा हूं, अभी तेरी किस्मत अच्छी है, जल्दी में हूं, फिर मिलेंगे। सोचा था प्यार से कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन अब लगता है कि मुझे मेरा ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं जाके देखता हूँ। ठीक है। जमीन है क्या? हाँ बाप की है, अपना तामझाम लो और निकलो यहाँ से। हाथ पैर की सलामती चाहता है तो चुपचाप निकल ले। ओए बहरा है क्या, चल निकल। Thank you.
अपने इन कुत्तों को संभाल के रख। अरे कितनों की हड्डियां तुड़वाएगा तू? उस तुरक बचा के बात के लिए। और वैसे भी मैं यहाँ लड़ने ना आया, सिर्फ समझाने आया हूँ। दोबारा अगर इन किसानों की जमीन पे आंख उठा के देखा ना, आंखें निकाल लूंगा तेरी। और भाई पटवारी इधर आइयो। तू इससे मदद मांगने आया है, हैं? अबे ये खुद को बचाएगा या तेरी मदद करेगा? जिन्हें तू साथ लेके आया ना, ये तुम्हारे ठिकाने पे हाथ जोड़ के खड़े। हर तू नसीहत देने आया मुझे। आप लोगों को भी लगता है गुलामी की आदत हो गई है, हाथ नीचे करो। अरे तुम्हारी इसी कमजोरी की वजह से ये अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं ये लोग। हाथ जोड़ने हैं ना, ऊपर वाले के सामने जोड़ो, इन हैवानों के सामने नहीं। सोचना भी मत, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। शहर में कबूतर नहीं उड़ाता मैं, निशानेबाजी करता हूं। दोबारा कलाकारी दिखाई ना तो माथे पे तीसरी आंख बना दूंगा तेरे। आई बात समझ में? तुझे कितनी बार समझाया मैंने, हथियार पे जब भी हाथ डालते हैं ना तो सामने वाले को खत्म करने के लिए डालते हैं। देख भाई जोधा सिंह, अपने इस पिल्ले को भी समझा ले और तू भी समझ ले। ये जो जमीनें हड़पने की गुंडागर्दी कर रहे हो ना, या तो इसे छोड़ दो या ये गांव छोड़ दो, वरना दोनों का जीना आराम कर दूंगा मैं। राम राम। राम राम। बापू इस सांप के बच्चे का मुंह यही कुचलना था। आज दो चार लोगों को लेकर आया, कल को पूरे गांव को लेकर आएगा। बस ठीक है, हमने तो कर ली बदमाशी। सब्र कर ले मिट्टे, नई नई जवानी है इसकी। जोधा सिंह का तजुर्बा देख अब तू, इसका ऐसा इलाज बन देगा कि फिर कभी तकलीफ ना होगी इसे। भाई अपना तो आजकल ना चाय पीने का मन ही नहीं करे। क्यों भाई, क्या बात हो गई? भाई भूल गया वो दिन। अरे हाँ। भाई जमाल घोटा। क्या बात कर रहे यार? इधर नहीं उधर तेरा जमाल घोटा। अरे कहाँ जा रही हो मेरी जान? ओ बिजली बम, कुछ तो बोल। अरे कैसे बोलेगी, लिपस्टिक खराब हो गई ना तो किसका मजा ही चला जाएगा। भैया जरा रोकना, छोड़ ना सारा, क्यों गुंडे मवालियों की मुंह लग रही है? मुंह ना लगे, उसी का तो इलाज कर रही हूँ, जरा नजदीक आना। लो अभी आया। क्या कर रही है सारा तू, छोड़ ना, मरता है मुझ पे। हाँ मेरी जान, जरा नजदीक आना। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। अच्छा इधर आ। चलो भैया। बस भैया इधर ही रोक दो। बहुत अच्छा किया जी आपने इन लफंगों के साथ में। अरे मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? चलो देख लो देख लो, अब इश्क क्या है आपसे, इश्कबाजी में इतना तो एडजस्ट कर लेंगे हम। इश्कबाजी तुमसे? शकल देखी है कभी आईने में? शकल जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। चलो शकल वकल को गोली मारते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये बता के चाय पीने कब आऊं मैं? उस दिन की चाय से निकली नहीं तेरी आशिकी अब तक? माय डियर, आशिकी दिल से की है, पेट से नहीं जो जमाल घोटे से निकल जाएगी। चल फाइनल करते हैं, खुले चौक में सबके सामने सीना ठोक के बोलता हूँ आई लव यू। इस आई लव यू को ना अपने पास रख, कहीं और काम आ जाएगा। और मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। पुलिस में? मतलब दुनिया भर की सारी फालतू चीजें सीख रखी हैं तूने, लेकिन प्यार करना नहीं सीखा। ऐसा है कि ज्यादा भाव वगैरह मत था और ये नखरे वगैरह मत दिखा मुझे, क्योंकि ना कमी लड़कियों की मुझे भी नहीं है। तो उन्हीं के पास जाना और ये अपना आई लव यू भी उन्हीं में से किसी को दे दे। अब ये दिल देव का है तो राह चलते किसी भी लड़की पे तो आ नहीं सकता, लेकिन एक बात याद रख, हाथ से छूटी डोर और कटी पतंग, इनकी ना तो कोई राह होती है ना कोई मंजिल। और आज से ये डोर मैं तेरे हाथ में देता हूं, तुझे कबूल करना है तो कबूल कर, वरना छोड़ दे। ये सही में तुझसे प्यार कर।
करता है? इतना ही प्यार करने वाला होता ना तो अकेले में बात करता। जब देखो किसी न किसी को साथ में लेकर घूमता है। इतना भी नहीं पता कि कोई लड़की अपने दिल की बात सबके सामने कैसे कहेगी। पर अब क्या करेगी तू? तू टेंशन मत ले, डोर तो मेरे हाथ में है ना, और उससे क्या पता कि इस बार बात माइंड में नहीं दिल पे लगी। बार बार बोलना पड़ेगा तुम लोगों को साफ सफाई करने के लिए। और बाकी लोग कहाँ हैं? तफरी करने के लिए नहीं रखा मैंने तुम लोगों को। अरे बाऊ जी, क्यों सुबह सुबह रेल बना रखी है वसीम की? राम राम। कहाँ रहता है तू आजकल? कहा था ना तुझे कि इन फालतू के झगड़ों से दूर रहियो। बाऊ जी, अगर हम लोग इन झगड़ों से दूर रहेंगे तो इन गरीब किसानों की मदद कौन करेगा? इन्होंने बहुत विश्वास के साथ आपको गांव का प्रधान बनाया है। अब मुसीबत में हम लोग इनके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो मुझे बनाया है ना, मैं देख लूंगा, जो करना है वो मैं करूंगा। और तुझे इन गुंडों के साथ गुंडा होने की क्या जरूरत थी? इन कामों के लिए पढ़ाया लिखाया है क्या तुझे मैंने? बाऊ जी, गंदे पानी से किसी की प्यास बुझती है क्या? अब ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के मुझमें ये काबिलियत दी होगी ना। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता, इन लफड़ों को छोड़, अपने काम धंधे पे ध्यान दे और अपना सपना पूरा कर बेटा। नहीं, सपना नहीं, सारा ताऊ जी। क्या बोला ये? कुछ नहीं, वो कह रहा है कि सारा सपना पूरा कर। अच्छा अच्छा, जो भी है तो बिजनौर जा और पेमेंट लेकर आ, और शराफा से जाना। जी वसीम। अरे कहाँ है वसीम? सारा है, सपना नहीं। अबे मरवाएगा क्या? चुप। कुंडली।
अम्मी। हाँ अम्मी। क्या हुआ? ये लेटर कब आया? ये तो 3-4 दिनों से यहीं रखा हुआ है। फिर मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, मेरे तो दिमाग से ही उतर गया था। पर तू इतना नाराज क्यों हो रही है? ऐसा क्या है इसमें? अम्मी, ये पुलिस ट्रेनिंग का अपॉइंटमेंट लेटर है। क्या? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पर अम्मी, कल की आखिरी तारीख है, हमें आज ही तैयारी करनी होगी। तो खाना बना। ठीक है। अब वो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक। लेकिन अब मेहनत और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना और अपना ख्याल रखना। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं जाने की तैयारी करती हूँ। अम्मी तू जा, तैयारी कर। चलो चलो चलो। भैया भैया, वो फारूक ने मुझे फिर से छेड़ा, उस मोबाइल शॉप वाले ने। हाँ भैया। तू घर चल, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है। अपना ख्याल रखना बेटा। जी अम्मी, और आप दोनों भी अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना और हमें भूल मत जाना। जी अब्बू, चलती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी बहन को छेड़ने की? है कौन सी बहन की बात कर रहा है? अबे झूठ ना बोल बे। अरे चल बुढ़िया से। अबे अरे फारूक भाई को मार दिया रे, मार दिया फारूक भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। बैठिए। तो खैरियत? खैरियत ही है भाईजान, पर हुआ ये कि जाटों के दो लोगों ने हमारे एक लड़के को मार दिया, फिर गर्मा गर्मी में हमारे लोगों ने उन लोगों को मार दिया। इस मामले में हमारी बिरादरी के कुछ लोग भी अंदर हुए हैं जनाब। बस कैसे भी करके भाईजान अपने लोगों को बाहर निकलवा लें। इसमें हमारी पार्टी का क्या फायदा? मीरापुर की सीट एकदम क्लियर निकल रही है जनाब। हाँ? ये वोट अपनी तरफ करने का इससे बेहतर मौका फिर हाथ नहीं लगेगा जनाब। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब ये। हाँ। सब अपने वाले हैं? हाँ भाईजान, सब अपने ही हैं। हेलो जी। जी खान साहब, बताइए कैसे याद किया? जनाब एक छोटा सा काम था। आप हुक्म कीजिए खान साहब, आपके लिए कुछ मना है क्या? जनाब आपके एसपी साहब ने हमारे कुछ आदमियों को हिरासत में ले रखा है। अच्छा। तो आपसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा कर दें। और एक गुजारिश है, ये एसपी का कहीं और तबादला कर दीजिए। आप बेफिक्र रहिए खान साहब, आपका काम हो जाएगा। सर एक बात समझ में ना आ रही, हमारे जिन लड़कों ने उस लड़के को मारा उन्हें तो वहीं मार डाला, जिनका दोष था उन्हें सजा मिल गई, लेकिन उन दोनों को जिन लोगों ने मारा उन्हें सजा कैसे मिलेगी? ये तो मैं भी नहीं बता सकता। वैसे भी ये काम खाकी का है, खाकी को करने दो। खाकी का काम खाकी करे तो ठीक है, लेकिन लगता है खाकी का काम सफेद खादी कर रही है। जिन लोगों को आपने रंगे हाथों पकड़ा था उनको तो छोड़ दिया, और उल्टे आप हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। तुम मुझे कानून मत सिखाओ, पुलिस अपने तौर तरीके से काम करती है समझे? वैसे भी तुम लोग अगर अपना भला चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, वरना एक एक को जेल भेज दूंगा। चलो यहाँ से। अरे देखते हैं किस किस को जेल भेजोगे तुम। चलो। सही कहा आपने, ये तो पुलिस का दादागिरी है, अब तो बिल्कुल नहीं ऐसे चलेगा। तो नहीं चलेगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। देखो अब ऐसे काम नहीं चलेगा, एक ही रात में डीएम और एसपी का तबादला और उनके लोगों को छोड़ देना, ये एक सोची समझी साजिश है। अब हमें अपने सभी भाइयों को इकट्ठा करके आंदोलन करना होगा, तभी हमें न्याय मिल सकेगा और असली गुनहगारों को सजा मिल सकेगी, वरना ये लोग बेगुनाह लोगों को परेशान करते रहेंगे। अब तो हमें इस सिस्टम के खिलाफ
महापंचायत करनी ही होगी, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। चलिए यहाँ से, चलिए चलिए चलिए, आप भी चलिए चलिए चलिए। महापंचायत हो रही है जनाब, सिर्फ जाट ही नहीं बाकी जाति के लोग भी पहुंच रहे हैं। महापंचायत हो रही है यानी कि बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। फूंक दो चिंगारी। इलेक्शन से पहले ऐसा माहौल अल्लाह की सौगात है। हाँ, लेकिन इस काम के लिए अपने आदमियों को मत लगाना। जोधा सिंह को फोन करो। चिंता ना करो जनाब, समझ लो काम हो गया। बापू बापू, यह है वो रिपोर्टर नदीम। हाँ, मैं करता हूँ फोन भाई, करता हूँ। आदा भाई जी। हाँ भाई, भाई जी, महापंचायत की वीडियो बना के दे मुझे। अरे 10 मिनट का काम है। रख ले। ठीक है भाई जी, मैं करता हूँ। बढ़िया सी बना के वीडियो। प्रणाम भाई जी। 7 तारीख को जाटों की महापंचायत है। तुझे अपने लॉन्डों के साथ उसमें शामिल होना है। और ये जो गया है ना सुलेमान कलंदा रिपोर्टर, इसे उड़ाना। और काम ऐसा होना चाहिए ऐसा लगे कि जाटों ने मार दिया। ठीक है भाई जी, चल। पानी सर से ऊपर चला गया है। वोटों के लालची कुछ नेताओं के बहकावे में आकर बड़ी गर्मी चढ़ गई है इन्हें। अगर अब हमने इनका जवाब नहीं दिया तो ये हमें चैन से नहीं जीने देंगे। जो नेता इनका साथ दे रहे हैं वो भी कान खोल कर सुन ले। सोते हुए जाग को खेलना मौत को बुलाना है। ऐसी हालत में जब पुलिस प्रशासन दोनों ही का साथ दे रहे हैं तो हमें अपना बदला स्वयं लेना होगा। खून का बदला खून से लेंगे। जो आग इन्होंने लगाई है इन्हें उसी आग में जला डालो। बोल। हाँ भाई जी, काम तो हो गया है लेकिन वो भीम सिंह के बेटे देव ने रिपोर्टर को मारते हुए देख लिया है। एक काम करियो फिर, जब तक मैं तुझे फोन ना करूं तो किसी को नजर मत आइयो। हाँ ठीक है भाई जी। ये महापंचायत में जरूर किसी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। इस मुल्क की जमीन और मिट्टी पर जितना हक वो जताते हैं उतना ही हक हमारा भी। हमने भी जंगे आजादी में अपना रूह बहाया, हमने भी अंग्रेजों की लाठियां गोलियां खाई हैं। क्या हुआ जो हमारी तादाद कम है? तारीख गवाह है, जब भी कौम पर कोई मुसीबत आई है, जब भी ईमान वालों पर कोई खतरा मंडराया है, कैदी ताकतों ने हमारी मदद की है। गैबी ताकतों ने हमारी मदद की है। अगर वो सोच रहे हैं कि हमें डरा देंगे तो गलत फहमी में ना रहे। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, गोली के जवाब में गोली मिलेगी। अगर वो हमारे एक आदमी को मारेंगे तो हम उनकी 10 लाशें बिछा देंगे। जाटों ने महापंचायत में हमारे 5-6 आदमियों को मार दिया है।
और वो इसी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। निकालो अपने कच्चे तलवार और काट डालो जितने काट सकते हो। पीछे ले, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? पीछे ले ट्रैक्टर। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अंदर आइए। मौलाना साहब जी बाहर निकालिए इन्हें। काफिरों को आज इन्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निकालिए इन्हें बाहर। ये अल्लाह का दरबार है, हमें कोई खून खराबा नहीं चाहिए। चलिए आप लोग निकलिए यहाँ से, जाइए अपने घर जाइए। सारा का फोन है। हेलो। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप और ये क्या हो रहा है वहाँ? मत पूछ बेटी, यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। सब लोग अपने घर में छुप कर बैठे हैं। अम्मी अब्बू कैसे हैं? तू चिंता मत कर, वो ठीक है। ओके चलो, आप अपना ख्याल रखना। ठीक, खुदा हाफिज। जोधा सिंह, जितना जल्दी हो सके हथियार पहुँचा दो उनकी बस्ती में, और अगर माहौल ठंडा होता दिखे तो अपने आदमी लगा दो दोनों तरफ से। कल सुबह तक मीडिया और सिस्टम में हाय तौबा मच जानी चाहिए, समझे तुम? कितनी बुरी तरीके से मारा है बता। टिल्लू के फोन में ये वीडियो तो पक्का औरों के फोन में भी आई होगी। ये पक्का दंगे भड़काने की साजिश की गई है। ध्यान से देख, जो असली मर्डर हुआ था वो रोड पे हुआ था, राइट? हाँ। ये देख, ये किसी का पर्सनल प्लॉट है, शूट किया है इसे। आई बात समझ में? जोधा सिंह। हाँ, ये जोधा सिंह का काम है। हथियार पहुंचा दिए, बस्ती में कोई भी बचाना नहीं चाहिए। Thank you.
रहे हो? इन लोगों को हमें तकलीफ है, देश को बचाना है तो इन हैवानों को खत्म करना होगा। तुम हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हम। अबे चुप! अगर ये लोग हैवान है तो तुम लोग कौन हो? देश की फिक्र करने वालों के हाथों में हथियार बॉर्डर पे अच्छे लगते हैं, ना कि इस तरह गली और मोहल्लों में। देश की तरक्की अमन और शांति में होती है, इस तरह गली मोहल्लों में मारकाट करने में नहीं। अपना भाषण बंद कर और हमारे रास्ते से हट जा वरना तुम सबको काट डालूंगा। आज हम भी तो देखें कितनी हिम्मत है तुम्हारी। आज तो तुम्हारा टंटा ही काट देते हैं। नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। जाओ जाके अपना काम करो, जाओ यहां से। सलीम, बबलू, तुम लोग निकलो। चलो, एक कदम आगे मत बढ़ना, वरना खुदा के पास से हमें छोड़ दो बेटा। आप लोग घबराइए मत, हम लोग यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। आप लोग हमारे साथ चलिए। और सारा कहाँ है? सारा तो पुलिस ट्रेनिंग के लिए गई हुई है। ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। चलिए चलो, चलिए जल्दी चलिए। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ध्यान से इनको घर लेके जाओ, मैं जाके वसीम को देख के आता हूँ। ठीक है, चलो चलो, घबराओ मत। संभल गए भैया जी, बोलिए। हाँ, वह मुच्छवाड़ा चौधरी है ना, घने पैर उठा रहा है सियाणा, ये सही मौका है, पटका दो। लेके जा अंदर। शोएब, अरे तुम भी इनके साथ। के लिए छोड़ो मुझे। चल, अल्लाह के बदले मेरी बिटिया को छोड़ दो। चुप, चुप, बंद कर। छोड़ो मुझे। तुम तक तेरे को काट डालूँगा। चुप। ए, ए, चुप, क्या कर रहे हो? छोड़ो। ए, क्या कर रहे हो? चला यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? तुम अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हो। तुम लोगों के खिलाफ नहीं, तुम्हारी इस हैवानियत के खिलाफ खड़ा हूं मैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें धर्म के नाम ऐसे धंधे करते हुए। भाग यहां से। छोड़ दिया और हमारे बेकसूर भाइयों को अंदर डालकर कुत्ते की तरह पीट रहे हैं। अरे तो सिस्टम की गलती की सजा बिचारे ये बेगुनाह क्यों भुगते? अरे जाइए, जाके देखिए जरा उन लोगों को जिन्होंने ये आग भड़काई है। चैन की नींद सो रहे अपने अपने घरों में और एक आप लोग बेवकूफों की तरह सड़कों पर मारकाट कर रहे हैं। अरे समस्या है ना, तो अपनी आवाज उठाइए, आवाज, हथियार मत उठाइए, छोड़िए इन हथियारों को।
तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इधर देखो, मैं उधर वसीम को देखता हूँ। चलो जा रहे। वसीम देव भाई, एहान का कुछ पता लगा, वो कहीं नहीं मिल रहा। तू टेंशन मत ले, सही सलामत हो भाई, मैंने भाभी को घर भेज दिया है। नहीं देव भाई, मैंने सब जगह ढूंढा है, कहीं एहान को कुछ नहीं होगा। एहान को जाके उधर देख, मैं इधर देखता हूँ, जा। Ihan! एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। चिंता मत कीजिए। प्रधान जी, निकालो इन गद्दारों को बाहर। आज इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। इन लोगों ने हमारे लोगों को गाजर मूली की तरह काटा है और आपने इन्हें अपने घर में पनाह दे रखी है। निकालो बाहर। जो कुछ हो रहा है मैं जानता हूँ, पर मैंने अपने होश नहीं खोए हैं। फिर ये पागलपन क्यों? अरे जिन लोगों ने दंगा फसाद शुरू किया वो हिंदू मुस्लिम की शक्ल में गुंडे थे, बदमाश थे। उनका ना कोई धर्म, ना ईमान, ना इंसानियत। अरे कल तक जिनके साथ उठते बैठते थे, हंसते खेलते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि हम एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए? क्यों भूल जाते हो के इसी आग की आंच में कुछ नेता अपनी रोटियां सेक रहे होंगे और हम एक दूसरे से नजर मिलाते हुए भी शर्माएंगे?
तक काबू पा लिया गया है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी है। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का दावा है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पुलिस ने अभी तक किसी को भी करेगी भी तो कैसे। वाकई जुदा सिंह जी, आपका काम तारीफ के काबिल है। आप जैसी दबंग शख्सियत की तो पार्टी को हमेशा जरूरत रहती है। अरे इलेक्शन का पूरा दारोमदार आप जैसे लोगों के कंधों पर तो है। पर एक दिक्कत है कि हमारे कुछ आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, उन्हें आप बाहर निकलवाओ। आप चिंता ना करें, अरे मीडिया वालों के लिए और आवाम के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार तो करना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी करतूतों की भनक लग गई है। वो आप हम पे छोड़िए, आप सिर्फ नाम बताइए, एनकाउंटर ही करवा देते हैं। क्यों खान साहब? बिल्कुल सही बात। उसको मार के किसी को क्या मिला है? सब खत्म हो गया देव भाई, सब खत्म हो गया। प्रधान जी, हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए। क्यों, क्या किया है मेरे बेटे ने? दंगा भड़काया उसने, आपको पता है कितने मासूमों की जाने गई हैं? हमारे पास सबूत है और गवाह भी। 3 साल तक जमानत ना मिलेगी उसको। अच्छी तरह से वाकिफ है हम कि कैसे हैं आपके गवाह और कैसे हैं सबूत। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसकी जिंदगी उस खुदा के बंदे ने बचाई है जिसे आप गिरफ्तार करने आए हैं। जिंदगी बची गई है तो इसका फायदा उठा लो। यहाँ बीच में पड़कर क्यों फिर से जान दांव पे लगा रहे हो? हटो, हमें अपनी ड्यूटी करने दो। ड्यूटी? जब ड्यूटी निभानी थी तो आप खामोशी से तमाशा देखते रहे। लोगों के घर जल रहे थे, मासूमों को मारा जा रहा था और औरतों में जुल्म ढाया जा रहा था। कहाँ गई थी उस वक्त आपकी ड्यूटी? माफ कीजिए जनाब, दंगाइयों से बड़े गुनाहगार आप हैं। अरे प्रधान जी, ये फालतू का ड्रामा सुनने नहीं आया हूं मैं। आखिरी बार ताकीद कर रहा हूँ आपको, हमारे रास्ते से हट जाओ। खुदा के लिए, आपने क्यों यहाँ से? यही तो राठौड़ चाहता है। दरोगा साहब, कुछ तो वफादारी करो इस वर्दी की और जाके गिरफ्तार कीजिए उस जोधा सिंह को जिसने आपको नपुंसक बना रखा है। वफादारी कुत्तों की अमानत होती है, दारोगा राठौड़ कुत्ता नहीं है। आखिरी बार ताकीद कर रहा हूँ आपको, हमारे रास्ते से हट जाओ वरना कर्फ्यू में अभी ढील दी गई है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। देव, समझने की कोशिश कर भाई, राठौड़ तुझे फंसाना चाहता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इस समय भागे तो कानून की नजरों में हमेशा के लिए मुजरिम बन जाएंगे। देव, जोश से नहीं होश से काम ले। भाई तुम दोनों निकलो यहाँ से, जाओ इधर से। देव, ये लोग सही कह रहे हैं, इस वक्त हमें यहाँ से निकलना चाहिए। माँ का ध्यान रखो। हाँ देव, तू जा। सुन बेटा, गिरफ्तार कर लो इन सबको, पकड़ लो। कहाँ ले आया तू? इस वक्त इससे सही जगह नहीं मिलेगी, चल अंदर चल। ठीक है। तो ये है तेरी सबसे अच्छी जगह, इसको साफ कौन करेगा? बबलू, टेंशन मत ले यार, रामू काका है ना। रामू काका? हाँ। वो किधर है? तू है ना। चल आ जा। सरकार,
बहुत खुश हो रहा होगा तू। अच्छा खासा मौका खो दिया ना तूने। खाब देखता है कमिश्नर बनने के और करतूते करता है ऐसी। कहीं ऐसा तो ना कि तू चौधा सिंह की जुत्ती सूंघते सूंघते ये खाकी सूंघने लगा। कैसा जुर्म कर रहे हो सरकार, आप खाकी सूंघने की बात कर रहे हो? अरे जब से आपका दिया हुआ चश्मा चढ़ा रखा है मैं तो भूल चुका हूँ खाकी के हुए है। वहाँ पूरा का पूरा गांव एक हो गया। तो गांव वाले आगे थे, तू गांव वाला बन गया था उनके साथ। कुछ कर लिया होता गोली चला देता, दो चार को बिछा देता। गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए। माफी के लिए तो बड़े लंगर खोल रखे हैं, जो तू गलती करेगा और हम माफ कर देंगे। क्या बताऊं सनी भैया, एक तो मीडिया ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और माहौल भी पहले से ज्यादा गर्म हो गया। तो तू गर्म हो जाता, तेरे वजह में आग लग जाती। वेलोंडा वहां से भाग गए थे तो उनका पीछा करता, बाहर से पकड़ता। यकीन मानिए सनी भैया, चप्पा चप्पा छान मारे है पर लौंडे का कहीं पता ना लग रहा है। तो कहाँ चले गए नागलोक में? तेरा कसूर नहीं है राठौर, जिस कुत्ते को दूध मिलाने की आदत पड़ जावे वह काटना भूल जावे। अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा बापू। अगर हमें ही सब कुछ करना है तो इसे क्यों पाल रखा हमने? मुझे तो बस इंतजार है, तुझे टिकट मिलने वाली है इसलिए दांत के नीचे तिनका दबा के बैठा, वरना उस लौंडे की अब तक 13वीं कर चुका था मैं। इस बार ऐसी मजबूत फाइल बना दी है, ये जमानत तक न हो सके इस साले की। ये जमानत का लॉलीपॉप हमें मत दे राठौर। आप बेफिक्र रहो सनी भैया, इस बार उसके दोस्त ही मुझे उस तक पहुंचाएंगे। और अब की बार अगर कोई गलती करी ना तो तू जानता है जोधा सिंह तेरे साथ क्या करेगा। कोई दिक्कत ना है सरकार, कोई दिक्कत ना। तमाम कोशिशों के बाद भी इंस्पेक्टर राठौर देव को पकड़ने में नाकामयाब रहा। करप्ट सिस्टम ने कानून की नजर में एक रेंज शूटर को हत्यारा बना दिया। गरीबों पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के मकसद से देव एक गुमनाम संगठन बनाने में जुट गया। उसके निशाने पर थे वो सफेद पोश जिनके दामन सैकड़ों गुनाहों से रंगे हुए थे, लेकिन कानून की नजर में वो बेदाग थे। किसी को भनक तक नहीं लगी और इंसानी लहू की तिजारत करने वाले जोधा और आलम खान जैसे हैवानों के काले धंधे चौपट होने लगे। पाप की कमाई से करोड़ों का काला धन जमा करने वाले पापियों को देव और उसके साथियों ने अपना निशाना बनाया और इस तरह देव और उसके दोस्त एक गुमनाम गिरोह के रूप में छा गए। सुना है दंगों में जिन लोगों के नाम आए हैं कुछ सरफिरे लौंडे उनको ठिकाने लगा रहे हैं, और वैसे भी हम बिना सिक्योरिटी के जा रहे हैं। अरे हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे जैन साहब ने जहाँ पार्टी रखी है वहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबे लंगड़े गडेरिया हट जा, देखता नहीं है क्या? अबे तू पागल हो गया क्या? सारा सच मुझसे बोल रहा है क्या यार? तुम लोग जानते नहीं हो, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। नेताजी हमें क्या मीडिया वाला समझाए क्या? कुछ भी बोलोगे और मान लेंगे? हमारे नेताजी को सरकारी खर्चे पे हेलीकॉप्टर पे घूमने का बड़ा शौक है। जरा पेट्रोल लाओ और डालो इनके इंजन में। आप पेट्रोल पेट्रोल नहीं 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 मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। अच्छा पेट्रोल नहीं।
मत कर, मुझे जाने दो। मुझे कुछ मत करो, सब बताता हूँ मैं सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ। भाषण देने के बाद छोड़ दोगे ना मुझे? नेताजी, आपका भाषण पसंद आया तो जरूर छोड़ देंगे। ज्ञानेश्वर तिवारी और आलम खान के कहने पर दंगे भड़काने का काम किया है, और इसमें हमारा साथ जोधा सिंह, उनका बेटा सनी और इंस्पेक्टर राठौड़ ने दिया है। जोधा सिंह ने महापंचायत में दंगा भड़काने के लिए मुस्लिम रिपोर्टर की हत्या करवाई थी, और इस काम में हम तीनों भी शामिल थे। आलम खान, रहमान और जोधा सिंह राठौड़ के जरिए तुम और तुम्हारे दोस्तों का एनकाउंटर करवाना चाहते थे। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, अपने पापा से बात करता हूँ, एडवोकेट है, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। वो ठीक है, पर मुझे क्या लगता है कि राठौर इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं भाई। सही बोल रहा है यार, राठौर की नज़र हम पे पड़ चुकी है, पता नहीं सड़क क्या करेगा। क्या है ना, ऐसे कानून से लड़ना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है और उसके लिए टाइम भी लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तब तक सरकार कोई ऐसा ऑफिसर ज़रूर ढूंढ लेगी जो सरकार के नमक का कर्ज सरकार को ही अदा करेगा। क्या देख रही हो अम्मी? देख रही हूँ जैसे जन्नत मेरे सामने खाकी वर्दी पहन कर खड़ी हो गई है। ओ अम्मी, अम्मी अबू कहाँ हैं? वो नमाज पढ़ रहे हैं। आखिर अफसर बनी गई, मुबारक हो। जानती हो, पूरे खानदान में तुम पहली पुलिस वाली हो, कितना फख्र की बात है। जी हाँ। अब तुम यही रहोगी ना? नहीं अबू, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिला है, अब हम सब वहीं रहेंगे। हाँ हाँ, अब वहीं रहेंगे, ये जगह महफूज नहीं है। पर ये सब हुआ कैसे? ये सब दंगों की सौगातें हैं बेटी। अल्लाह का शुक्र है कि प्रधान भीम सिंह का बेटा देव खुदा का फरिश्ता बनकर ऐन वक्त पर पहुंच गया। हाँ बेटी। और अपनी जान की परवाह किए बिना उसने हमारी हिफाजत की, वरना आज हम जिंदा नहीं होते। बस अम्मी। और उसका सिला उसको ये मिला कि पुलिस वाले और जोधा सिंह उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बेटा, अगर हो सके तो उसकी मदद करना। आप फिक्र मत कीजिए अब्बू, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। मेरा नाम सारा खान है, रफीक खान की बेटी हूँ। अच्छा अच्छा, रफीक भाई, आओ आओ बैठो। उन्होंने बताया था तुम्हारे बारे में कि बेटी पुलिस अफसर बनने गई है। जी। बड़ी खुशी हुई सुनके। जी हाँ, आपकी दुआ से बन गई ऑफिसर, इसी डिस्ट्रिक्ट की एसपी बनकर आई हूँ। बधाई हो बेटी, पर ये मत बोल के हमारी दुआ से बनी है, क्योंकि अगर हमारी दुआ में इतना असर होता तो आज मेरा बेटा बेकसूर होते हुए भी मुजरिमों की तरह छुपता ना फिरता। पता नहीं बेटा, जोधा सिंह मेरे बेटे से किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको तो पता होगा कि
देव कहाँ है? नहीं, हम तो उसकी शक्ल देखने के लिए भी तरस गए। क्योंकि मिलने के तो पुलिस ने सारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं। दंगे भड़काने से लेकर लूट, डकैती, यहाँ तक कि हवलदार की हत्या का आरोप भी मेरे बेटे पे लगा रखा है। अब पता नहीं किस्मत में कब मिलना लिखा है उसे। आप मायूस मत होइए, मैं जल्द से जल्द देव को सही सलामत घर वापस लेकर आऊंगी। चलती हूँ। अरे बेटा रुको, चाय तो पीते जाओ। फिर कभी। चलती हूँ। ये दंगे की फाइल है? जी मैडम। क्या है ये एक ही दिन में चार चार जगह देव मलिक की कंप्लेंट क्यों है? मैडम ऊपर से ऑर्डर था। ऊपर से ऑर्डर था तो कुछ भी करोगे? किसी भी बेकसूर को अरेस्ट कर लोगे? इतना बड़ा दंगा हो गया, उसके लिए तो कुछ नहीं कर पाए? यही है आप लोगों की ड्यूटी? अब आगे क्या करना है मैं देखूंगी। कौन है यार? हेलो। हाँ राठौर भाई जी। राम राम। अरे राम राम छोड़, ये बता हमारा ट्रक किसने पकड़ा? भाई जी वो नई एसपी आई है ना, उसने नाक में दम कर रखा है। मैं तो ऑफ ड्यूटी हूँ जी, बीमारी का बहाना करके। अच्छा। हाँ आप जरा संभल के रहना। अच्छा। हाँ जी रख। राम राम भाई जी। कौन है? छोड़ यार तू पैग बना। मैडम जी ये सरकार ने फोन आपको काहे के लिए दिया हुआ है? जनता की प्रॉब्लम सुनने के लिए। पर आपने तो मेरा फोन उठाया ही नहीं। मैं जनता की रक्षक हूँ, जनता की बातें सुनती हूँ, तुम जैसे गुंडों की बकवास नहीं। मैडम जी आप यहाँ नहीं हो, जानती नहीं आप मुझे, जान जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये भी जानती हूँ तुम फोन क्यों कर रहे थे, यहाँ क्यों आए हो, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मेरे पास है, तुम्हें 24 घंटे का वक्त देती हूँ। थोड़ा सब्र कर लेती हूँ, लगता है नौकरी पसंद नहीं आई आपको। ऐसे भौंकता है जैसे मेरी नौकरी इसके हाथ की जागीर है, जैसे मुझे भीख में मिली हो। अगर ये 24 सेकंड के अंदर यहां से नहीं जाता तो ले जाकर अंदर ठोक दो। चल बापू। चले। हाँ चल। अच्छा मैडम जी हमें तो वैसे भी बहुत जल्दी है, चलो भाई। हेलो। हेलो मैडम जी, गुड मॉर्निंग। जिन लोगों ने नेता लोगों का अपहरण किया था उन लड़कों का पता चल गया है। कहाँ है वो लोग? जंगल वाले रोड पे, पुराना शिव मंदिर है वहाँ। ओके तुम लोग तैयार रहो, मैं पहुँच रही हूँ। जी बबलू तुम लोग ध्यान रखो, कुछ भी हो तो बताओ मुझे, ठीक है? आता हूँ। अरे बबलू संभाल के।
अरे लेके जाना यार, काम आएगा। इधर कहाँ जरूरत है यार इसकी? हाँ अलर्ट। हाँ हाँ जब तक मैं नहीं बोलती तब तक सामने मत आना, ठीक है? वरना वो लोग भाग जाएंगे। कैसा है तू? अच्छा हूँ भैया। अच्छा सुन, कुछ पैसे लाए हो, संभाल के रख। जी। जरूरत पड़े तो और मांग लेना। भैया आप निकलो इधर से, मैंने पुलिस को आते हुए देखा है। ठीक है, पहले तू जा। जी भैया। अभी ये कौन है? अरे इतने वीराने में अकेली लड़की? अबे प्राचीन मंदिर है यार, यहाँ पूजा करने से मन्नतें पूरी होती हैं, तो आई होगी कोई अपनी मन्नतें पूरी कराने के लिए। अच्छा ऐसा करो, तुम लोग इधर नजर रखो, मैं उधर देखता हूँ। हाँ हाँ। पता था कि तुम हो। नहीं सारा, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम गैंगस्टर कैसे बन गए? बना नहीं, बना दिया गया। देव मुझ पर भरोसा रखो, अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है मैं उसका इंसाफ करूंगी। इंसाफ दिलाना तो जाके उनको दिलाओ जो इस दंगे का शिकार हुए हैं। वो भयानक मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है, जहां प्लानिंग एक आदमी करता है और जाने हजारों बेगुनाहों की चली जाती हैं। इन गुनेगारों का ना तो कोई धर्म होता है और ना कोई मजहब। नहीं देव, मेरी बात सुनो। नहीं सारा, मुझे चलना होगा। सर रुकिए। क्यों? मैडम ने मना किया है। तुम्हारी मैडम अपने आप को समझती क्या है? राठौड़ है मेरा नाम, राठौड़। ज्यादा चमक मार रही है, उसने उतनी ड्यूटी नहीं की जितने मैंने एनकाउंटर किए। अरे देव रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। देव रुक जाओ प्लीज। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। रुक जाओ देव, पहली गोली फर्ज के लिए चलानी पड़ी थी, दूसरी मजबूरी में चलानी पड़ेगी। जरूर चलाना सारा, लेकिन इस बार गोली सीने पे चलाना, तुम्हारे प्रमोशन के लिए काम आएगी। देव! बिल्ली की मौसी कब तक खैर मनावेगी? अब देख थप्पड़ का अंजाम। मिस सारा खान, ये सब क्या हो रहा है? हमने आपको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, मगर आप क्या कर रही हैं?
और ये अनप्लैंड ऑपरेशन? आपके इस ऑपरेशन की वजह से हमारे एक जांबाज सिपाही की जान चली गई है। हाथ आए मुजरिम को आपने छोड़ दिया, जिस पर तीन नेताओं के अपहरण का मुकदमा है। सर, ऑफिसर की जान इसलिए गई क्योंकि इसने मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। मैं तुम्हारी बात को तब अग्री कर लेता अगर तुमने असली मुजरिम को सलाखों के पीछे बंद कर दिया होता। तुम्हारा ये इनडिसिप्लिन बिहेवियर और लापरवाही की वजह से मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। पर सर, यू मे लीव। यार देव, हाँ? सारा को सस्पेंड कर दिया यार। क्या क्या बात कर रहा है यार? ये देख, न्यूज में आ रहा है। सारा के साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ यार, वो हमारी वजह से सस्पेंड हुई है। अब सारा से मिलना जरूरी है। जोधा सिंह ने महापंचायत में दंगा भड़काने के लिए मुस्लिम रिपोर्टर की हत्या करवाई थी। देखा, ये होता है तुम्हारे सिस्टम में। राजनीति के नाम पे अन्याय करने वालों को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है हमने। ये बदले की बात नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। तुम जानती हो, बॉर्डर से आने वाले आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये नेता लोग। कभी कभी न्याय के लिए भी हथियार उठाने पड़ते हैं। खूनी लुटेरों को माफी मिलती है, इसलिए देश उन जैसे लोगों से भरा हुआ है। ऐसा तुम लोगों को लगता है? तुम सब कानून पर भरोसा रखो। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। तुम ये वीडियो मुझे दे दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। फिर से रॉन्ग ट्रैक पे जा रही हो तुम। बिना पावर और पोजीशन की तुम्हारी सुनेगा कौन? और अगर सुन भी लिया तो दो दिन के अंदर अंदर ये लोग जमानत पे बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले तुम्हारी रीजॉइनिंग के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इतनी जल्दी ये सब होगा कैसे देव? इतनी मोहब्बत तो की है ना तुमसे, तुम मुझ पे भरोसा रखो। तुम सिर्फ मेरे दिमाग से चलो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये पेन ड्राइव लो, इसके अंदर सब कुछ है। पर मैं तुम्हें कानून हाथ में नहीं लेने दे सकती देव। कौन कमबख्त कानून को हाथ में लेना चाहता है? ऐसे गुनहगारों को सजा देके हम कानून की मदद कर रहे हैं, और ये बात तुम भी जानती हो। हमें पता है तुम्हारा निशाना अभी भी पक्का है। सलाम।
भाई मैंने क्या किया है? वो ही तो जानना है। चल ये जो बताएगा उससे कहीं ज्यादा हम जानते हैं, और जो इससे पता करना है वो इतनी आसानी से नहीं बताएगा। हड्डी पसली तोड़ देते हैं, मौत से बदतर जिंदगी बना देंगे इसकी, तब तो ये बताएगा। यही तो मैं करना नहीं चाहता। जब तक जोधा सिंह और आलम खान जैसी गंदगी समाज में मौजूद हैं, ऐसे मच्छर तो पैदा होते रहेंगे। इन्हें मारने से कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, लेकिन ये जरिया जरूर बनेगा गंदगी साफ करने का। हेलो। आदाब जनाब। आदाब, कौन? अजी, नाम में क्या रखा है? और वैसे भी हमारे मुजफ्फरनगर में नाम से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा काम? ये सही बात पूछी आपने। सुना है हाल ही में एसपी सारा खान को सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके पीछे काफी लोगों का हाथ था। मैं चाहता हूँ कि आप उसको दोबारा अपॉइंट कर दीजिए। देखिए, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। वैसे आप एक बात बताइए कि जब आप किसी को सस्पेंड करा सकते हैं तो उसे रीअपॉइंट नहीं करा सकते? खैर छोड़िए ये सब बातों को, आपके लिए एक डीवीडी भिजवाई है। कौन सी डीवीडी? वो तो आप ही देखिएगा, सोचिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा। ज्ञानेश्वर तिवारी और आलम खान के कहने पर दंगे भड़काने का काम किया है। कुछ दिनों पहले विवादों में घिरी सारा खान को वापस से नियुक्त कर दिया गया है। एसपी सारा खान के हिसाब से उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो मीडिया में आने पर हड़कंप मच सकता है। एसपी सारा खान के मुताबिक इन दंगों में बड़े बड़े राजनेताओं और अधिकारियों का भी हाथ हो सकता है। अब देखना यह है कि गुत्थी कब और कैसे सुलझेगी। मैं आप लोगों को कोई लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसका आप पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, पर मैं आप सबको एक वार्निंग जरूर देना चाहूंगी कि जब तक वर्दी में हो तब तक वर्दी के होकर रहो। पुलिस से बड़ी कोई ताकत नहीं है, उन्हें ना किसी पॉलिटिशियन की जूती चाटने की जरूरत है और ना किसी माफिया से डरने की। मैं बस आप लोगों से इतना चाहती हूं कि कोई भी शरीफ इंसान पुलिस स्टेशन आने से ना डरे। अरे आप खामखा डर रहे हैं, हम जैसे बदनाम लोगों की राजनीति में हमेशा डिमांड रहती है, समझे आप? आप लोगों को जितनी राजनीति खेलनी थी खेल ली, अब बची राजनीति जेल में बैठकर खेलना। अरेस्ट करो इन लोगों को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी सारा खान ने तीन नेताओं को गिरफ्तार किया है। सारा खान के मुताबिक इन तीनों नेताओं पर दंगों में शामिल होने का आरोप है। अब देखना यह है कि इन दंगों में कौन कौन से और नेता शामिल है। एसपी सारा खान को जोधा सिंह और सनी के खिलाफ सबूत मिले हैं, अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, उनसे दूरी बनाए रखने में अक्लमंदी है, नहीं तो वो हमें भी ले डूबेंगे। त्रिपाठी जी, आपने अपने पार्टी की तरफ से जोधा सिंह के बेटे सनी को उसी के क्षेत्र से सीट देने का वादा किया है, उस वादे का क्या होगा? वो हमारी मजबूरी थी। इस क्षेत्र के लोग जोधा सिंह और उसके बेटे पर बहुत गुस्सा है। ऐसे हालात में ऐसे लोगों को सीट देते हैं तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, सनी का जीतना नामुमकिन है।
माँ कैसी है तू? कहाँ चला गया था तू? कितनी चिंता हो रही थी तेरी, तुझे तेरी माँ की कभी याद नहीं आती थी क्या? बस कर माँ, आ गया ना मैं। अच्छा ये बता, बाबूजी की तबीयत कैसी है अब? कमरे में, चल मिल ले उनसे। बाबूजी आ गया तो अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या करेगा जान के, मेरी से और तू अपनी बता। बाबूजी मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो वहां उन लोगों की मदद करने गया था, और ये बात आप भी जानते हैं, उन लोगों ने मुझे फालतू में फंसा दिया। मैंने सोचा था एक दिन तू नेशनल चैंपियन बनके मेरा सपना पूरा करेगा, लेकिन सपना सपना ही रह गया। बाबूजी मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूं, लेकिन जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं वहां से मेरा पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करते ही मैं आप दोनों के पास वापस आ जाऊंगा। तब तक आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें। अच्छा माँ, नहीं जाने दूंगी तुम्हें, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। नहीं सावित्री, जाने दे इसे, रोक मत, मुझे पूरा भरोसा अपने बेटे पे है, ये कोई गलत काम नहीं करेगा। ध्यान रख अपना। बोलो जोधा सिंह, क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस खबर मिली थी कि इस बार आप इलेक्शन में सनी को टिकट नहीं दे रहे हैं। तुम बात समझ नहीं रहे हो जोधा सिंह, हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम दोनों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी जोधा सिंह की? आप भूल रहे हैं नेताजी कि आपके कहने से हमने दंगे फैलाए, और ये बात पुलिस और जनता दोनों को पता चल जाएगी, फिर आप भी बच नहीं सकते। तो तुम हमें धमका रहे हो? अजी ना ना, मैं तो बस ये कह रहा था कि राजनीति में अगर हमारे जैसों को लेके आगे चलोगे तो आखिर तक साथ निभाना पड़ेगा। एक बात कान खोल कर सुन लो जोधा सिंह, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पता है क्यों? क्योंकि हम एक नेता हैं और तुम एक गुंडे हो। हम चाहे कुछ भी करें, जनता हमेशा अपना समर्थन नेता को ही देती है, और यही जनता मौका आने पर तुम्हारे जैसे गुंडे को सड़क के बीचों बीच कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार देगी। आज के बाद ना हम तुम्हें जानते हैं ना तुम हमें। अच्छा बिट्टू, अब क्या है? कुछ नहीं, आज के बाद हम कभी मिलेंगे नहीं ना। हाँ ठीक है। इंपोर्टेड है, मक्खन जैसे चलती है। ठीक है। पैसे लाए हो? हाँ लाए हो ना।
ये लो। अरे पैसे दिए, सामान तो दो। देव कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बता दे। नहीं बताऊंगा। अच्छा हाँ सलीम, निकला? निकला नहीं, अब निकलेगा ऊपर। सलीम, तुझे समझाया था पहले, माना नहीं। सनी, सनी अगर तूने कुछ, सनी पटका दे। बबलू, चंपा चमेली, मैं हूँ चंपा चमेली, रहती हूँ मैं अकेली। मैं हूँ चंपा चमेली, रहती हूँ मैं अकेली। चंपा चमेली, रहती हूँ मैं अकेली। सुनो, यहाँ फिर से दंगा शुरू हो गया। Oh!
फेंक इसे। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? फेंको इसे। अबे चल चल चल, तेरी भी तो बारात निकालनी है आज। क्या हा? बस भाई 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 रुको, लास्ट इसके दम पे शेर बन रहा है तू। अच्छा सिंह जब भी बंदूक उठाता है तो सामने वाले की जान लेता है, पर आज तुझे बंदूक से न मारूंगा, तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुम मरने के लिए तरसेगा। सनी। हाँ बापू। मार कड़े को। बहुत खून पिया साले ने। हमारे यहाँ एक कहावत है, जाट मरा तब जानियो जब तेरवा हो जा। गांव में से भीम सिंह की औलाद कहते हैं साले, ये तो किसी ना मर्द की औलाद है साला। एक मैं गिर गया साला, पटक गया साला। बहुत उछल रहा था बापू। अब ये तो फिर उठ गया। नहीं तो मैं गोली चला दूंगी।
आखिरी बार बोल रही हूँ, गन नीचे कर। सनी मार, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सनी गन नीचे कर। मार सनी, आखिरी बार बोल रही हूँ, गन नीचे कर। सनी मार। बापू, बापू, देव, देव, ये मुझसे क्या हो गया? अब जो होना था वो तो हो गया सारा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कॉल द एम्बुलेंस। जब जब गांधी और भगत सिंह के बलिदानों को झिंझोड़ोगे, तब तब देव जैसे युवा जन्म लेते रहेंगे, जो समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे। वक्त और सियासत उन्हें मुजरिम बना देती है। आज हमें ये महसूस नहीं है दर्द किसी की यादों का, क्यों आज भी हम खामोश खड़े हैं देखने खेल दंगों का। इंसानियत को मारकर धर्म को बढ़ाने चले हैं हम, पर ना देखा उन आंखों को जिनकी पलकों पर छाए गम। फिर क्यों नफरत की आग में झुलसते हिंदू और मुसलमान? है कौन सी वो ताकत वाले लोग जो भटका कर दंगे करवाते हैं? खामोश नहीं है हिंदुस्तान, अब ऐलान ये हम करते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।